मैं डाल लेता हूँ इसमें। लो मालिक लो गरम गरम ये थोड़ा बस के। अजय रुक जाओ। ओए राज पागल है। ओए राज आ जाओ। ए राज भाई यार। अरे आ जाओ तू पागल राज। अरे देख रहा हूं यार राज आ जाओ भाई यार। ये राज भाई यूं क्या बात कर रहा है यार तुम यार। राज भाई क्या राज भाई क्या हो गया। ए राज भाई ओ टेंट माओ राज भाई। ओ राज भाई टेंट माओ। ओ राज भाई टेंट माओ क्या कर रहे हो। हो वो देख कुछ है। ओ राज भाई टेंट माओ। ओ टेंट माओ। ओ राज भाई टेंट माओ जल्दी टेंट माओ जल्दी टेंट माओ। राज भाई जल्दी आओ नीचे। देखो भाइयों पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कैंपिंग ब्लॉग में। तो देखिए आज अपनी कैंपिंग होने वाली है वो भी ग्रुप में। मेरे साथ आए देखिए गुप्ता जी। जय हिंद दोस्तों। और राज भाई। जय हिंद दोस्तों। और बता दूं आज जो अपनी कैंपिंग होने वाली है वो एक ऐसी लोकेशन पे होने वाली है, बहुत ही डेंजर फॉरेस्ट है और वहां पे आता है लियोपार्ड। क्योंकि राज भाई हमें लेके आए हैं, राज भाई लोकल के हैं, तो राज भाई हमें लेके जा रहे हैं आज उस लोकेशन पे जहाँ पे डेली लियोपार्ड शिकार करने के लिए आता है। देखिए आप लोकेशन देख ही सकते हैं, पूरे झाड़ियों का इलाका है, तो यहाँ लेपर्ड अटैक करता है क्योंकि घने जंगल है, तो ऐसे में ही घात लगा के हमला करता है क्योंकि यहाँ आसपास खरगोश बहुत घूमते हैं और खरगोश है, काकड़ है, हाँ, हिरन है। जो काला हिरन होता है काकड़ उसका शिकार करता है, तो हम शायद आपको वो भी दिखाएं काकड़ भी रात को। तो चलिए फिलहाल बारिश होने वाली है, हाँ सनसेट हो चुका है और मौसम भी खराब है, तो हम जल्दी से लोकेशन पे पहुँचते हैं और अपना टेंट को पिच करते हैं। चलो चलो बस यही बेस्ट लोकेशन है, यहीं पर हमने लगा लेते हैं समतल जमीन में, बाकी पेड़ वेड़ भी है इस पर अपना रात को आरजीबी लाइट लगाएं ग्रीन। अरे हाँ ये तो सही है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आज अपना कैंप यहीं पे लगेगा। और मैं आपको बता दूं आज जो ये लोकेशन है ना, ये ऊपर से एक रास्ता है, रास्ता का एक छोटी सी बटिया है जहाँ से लेपर डेली गुजरता है। बटिया बोले तो बटिया बोलते हैं, छोटी होती है रास्ता होता है पगडंडी पगडंडी, हाँ पगडंडी उसको बटिया बोलते हैं, तो बटिया है, तो बटिया से लेपर डेली गुजरता है यहाँ को। तो आज हम वही कैप्चर करने के लिए आए हैं क्योंकि राज भाई बता रहे थे कि यहाँ डेली हमला करता है जो काकड़ होते हैं, जो मैंने आपको बताया काकड़ और खरगोशों पे। तो देखते हैं रात को क्या। जो ये रास्ता है ना ये हम इंसानों ने नहीं बनाया, ये जानवरों ने बना रखा है। तो गाइस बस देर नहीं करते क्योंकि शाम हो चुकी है, सनसेट भी हो चुका है और बारिश का मौसम है, हो रही है शुरू हो गई। पहले अपना टेंट को पिच करते हैं। तो फ्रेंड्स टेंट अपना लग चुका है जैसा आप देख रहे हैं, और इस पेड़ पे पूरा अपनी आरजीबी लाइट लगा दी है, जब रात को जलेगी बहुत ही अल्टीमेट लगेगा। और बाकी शाम हो चुकी है, थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं आसपास, थोड़ा ऊपर तक घूम के आते हैं क्योंकि हम एक राउंड ऑफ कराते हैं लोकेशन का ना। तो चलिए उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अंधेरा हो चुका है देखिए, और इधर अपना देखिए हमने टेंट लगा दिया है, देखिए कितना मस्त अपना टेंट लग रहा है। और लाइट ऑन कर दूं भाई, अंधेरा हो गया। लाइट हाँ थोड़ी सी ऑन कर दो, अभी कम ही जलाना। और देखिए इस पे हमने पेड़ पे लगाई है आरजीबी लाइट, और इधर अपना किचन का सेटअप है, अपना बारबेक्यू होने वाला है, इधर टेबल मेज। और देखिए लोकेशन देखिए, ये जो है ना गाइस यही वो रास्ता है जहाँ से लेपर्ड आता है इधर से पगडंडी से, और ऐसे होते हुए इधर से गुजर जाता है इधर जिधर गुप्ता जी है। तो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बाकी राज भाई अभी पानी लेने के लिए गए हैं और अंधेरा हो चुका है, राज भाई का आने का वेट है, उसके बाद अपना डिनर बनाना स्टार्ट करेंगे। और गुप्ता जी देखिए इधर जला रहे हैं लाइट, गुप्ता जी जली नहीं लाइट, और देख रहा हूँ कुछ क्या प्रॉब्लम हो रही है लाइट की, क्योंकि लाइट जलाओ गुप्ता जी क्योंकि अंधेरा काफी हो चुका है। और देखिए गाइस केवल हम ही लोग हैं यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होंगे, बाकी ये सामने जो लाइट दिख रही है ये बहुत दूर है यहाँ से, 3-4 किलोमीटर दूर। और ये देखिए लेपर्ड का ये है,
हमने चैलेंज किया है, राज भाई ने हमसे कहा था कि यहाँ डेली लेपर्ड गुजरता है, तो आज हम यहाँ इसीलिए आए हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, रख लो लकड़ी रख लो भाई। बोन फायर सही नहीं भाई, कैंप फायर तो करनी करनी पड़ेगी गुप्ता जी, बिना कैंप फायर के काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोकेशन बहुत भाई, मच्छर भी बहुत है यार यहाँ पे, तो मच्छर भी बहुत ज्यादा, और इसके धुएं से ना हाँ मच्छर भी भागेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट फास्ट करें थोड़ा सा। हाँ बस अपना ढेर बनाते हैं, करो राज भाई चलो। मैं लकड़ियों का करता हूँ, कुल्हाड़ी रखो आप, लकड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके कुल्हाड़ी से, ठीक है, और बोन फायर करो भाई, करते किचन के सेटअप, मैं बारबेक्यू रेडी करता हूँ, है ना। आज यहाँ के लेपर्ड को हम खिलाएंगे मलाई पनीर टिक्का, यस, और अगर उसे पसंद आ गया, और उसे मलाई टिक्का खाने वाला अगर पसंद आ गया, क्योंकि ऑप्शन तीन ही है, ए बी सी, ठीक है, देखो लेपर्ड डी तक होता है ना, तो और सेफ्टी रहती है, क्योंकि डी में ऑप्शन बढ़ जाते हैं ना। सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे है, क्योंकि लेपर्ड की दिक्कत ये है, सबसे छोटे शिकार को उठाता है, छोटा यानी हमारे ऑप्शन कम हो गए, कहने का मतलब ये ऑप्शन सी तैयार, मतलब रेडी हो ना आप भाई, लेकिन ऐसा है छोटा हूँ दौड़ूंगा भाई, वो तुम्हें नहीं कहेगा, तुम तो यहाँ के भाई बंधु हो उसके। हाँ ये भी है, क्या पता कहेगा हमें भाई, वो उत्तराखंड की खुशबू आ जाएगी उसमें, क्या पहाड़ का बंदा है। तो चलो यार जल्दी कर लो यार, चलो सेटअप बोन फायर करो, चलो मैं वो करता हूँ, ये तुम राज भाई बोन फायर करो, गुप्ता जी तुम्हें सेटअप जम गया, कोयले छोटे करने मेरे को, तो बस और बस मैं फायर करना है, करता हूँ पनीर टिक्का मैरिनेट करने की तैयारी, वेजिटेबल वेजिटेबल काटता हूँ, सब कुछ रेडी करता हूँ। राज भाई आपकी बोन फायर का हो गया, बस राज भाई को मैं वो देता हूँ, हाँ फ्लेम करने दो ना, और भाई मेरे को ना वो दो यार कुल्हाड़ी का है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ कोयले को ना, थोड़ा ऐसे हो नहीं रहा इससे ना। तो राज भाई तुम फ्लेम गन लो, और मुझे इन लकड़ियों के लिए एक जादू की वो भी दे दो, झप्पी, हाँ जादू की झप्पी, झप्पी मतलब बोले तो जो इनको झप्पी देगा, क्या लकड़ियों को आग, हाँ आग या कुछ और चाहिए। राज भाई चलो फ्लेम कम जलाओ, और गुप्ता जी हाँ। तुम आरजीबी लाइट जलाओ, ये जो पेड़ पे लगाई अच्छा, है आरजीबी, ओ पेड़ को भी रंग बिरंगा करेंगे, करके आता चलाओ चलाओ, हाँ जलाओ और जलाओ, तेज करो, बस यही छोड़ दो, यही छोड़ दो। देखो भाइयो पेड़ की तरफ सुंदर लग रहा है, सीधा रखो सीधा सिलेंडर, सीधा रखो, हिलाना नहीं उसे, हिलाना नहीं। वाह क्या मस्त लग रही है, तीन तीन पेड़ पे अंदर फुल लाइट, ये बताओ अंदर भी तो आरजीबी लगी टेंट के भाई, बताइए कैसा लग रहा है अपना, चलो चलाओ आगे लो, हाँ चलो मैं प्याज काट देता हूँ तब तक ना, अरे जल्दी नीचे जल्दी जल्दी। मैं काट रहा हूँ प्याज, और देखिए अपना कलर एक मिनट, नहीं नहीं आवाज आ गई है राज भाई, आवाज आ गया राज भाई, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है ना इतना आवाज का ना, नहीं है ओ देखो आवाज सुना ठीक है, ये देखो ये देखो इधर ना कुछ ज्यादा ही घना है, क्योंकि हम वहाँ पे कैंपिंग कर नहीं सकते थे, वहाँ हम टेंट लगा नहीं सकते थे, तो इधर आइए अब देखो आवाज सुन रहा है तेरा भाई इस लोकेशन पे भाई, आवाज तो आवाज आ रही है, आवाज लपट की आवाज आ चुकी है गाइस। अभी तो देखिए अभी तो हमने कुकिंग करनी स्टार्ट ही करी थी, और पीछे से पहले लेपर्ड की आवाज आई, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे लेपर्ड ने किसी जंगली जानवर को पकड़ लिया हो, चीखने की आवाज आ रही ना जैसे काले हिरण की होती है भाई, वाकई में किसी का शिकार किया है। ओ देखो ये सुनो तड़प रहा है वो, सुन रहे हो, ये कोई एडिटेड साउंड नहीं है, आप लोग बोलते हैं एडिट करके साउंड लगा दिया, ये लाइव है लाइव। चौकन्ना बैठो, टॉर्च वॉर्च अपने हाथ में रखना, ये काम करो गुप्ता जी पहले इनको दो, आप वो जलाओ बोन फायर करो पहले, क्योंकि आग जलनी बहुत जरूरी है, इससे काम चल जाएगा ये कोयला, और चौकन्ने रहो एक बार अपना लाइट मार के देख रहे हो, एक चीज का और वो है ये हमने लाइट लगा रखी है ना कलर फोन, इससे भी ये दूर तक चमकती है, जानवर आए तो भागता है भाई, बहुत कुछ है ना, ये जला लो इसे, क्या कर रहे हो तुम राज भाई, इसको इसको तेज करो,
अरे गुप्ता जी इसमें हवा सी मार लो मेरे भाई, क्या कर रहे हो? अरे भाई हवा तो चल रही है, हवा के मारो इसे, थोड़ा सा कर लो जो कोयले नीचे है ना उनको ऊपर ले आओ। और राज भाई, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ बोन फायर को? लकड़ियाँ जल रही है भाई, तो लोगों अपनी तो प्याज कट चुकी है देखो। हाँ, चलो ठीक है ठीक है, मैं तो बस इसको मैरिनेट करता हूँ, ठीक है गुप्ता जी, क्योंकि भूख लग रही है बहुत भयंकर। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें मैरिनेट करने के लिए मैं निकाल लेता हूँ, मैं डाल लेता हूँ इसमें सबसे पहले दही। ओए 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 दही निकाल ले, ओए हथियार का हथियार का, दही दही रुक 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 रुक, वो ये रहा लेपट लेपट लेपट, ओए ओए ये रहा, कैमरा निकालो, कैमरा गुप्ता जी, कैमरा निकालो, कैमरा निकालो, कैमरा कैप्चर भाई, तो जी इधर जा, ओए ओए ओए, पत्थर मारो पत्थर, पूरा वो गया वो गया, ओ गाइस सामने सामने, बस 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 आगे मत जाओ राज भाई, ओ भाई यहाँ बैठा था, यहाँ गाइस, ओ भाई यहाँ पे बैठा था गाइस, आज तो हम बिल्कुल घबरा गए, यहाँ पे तो बिल्कुल पास में देखिए टेंट घेरा हमारा कितनी दूर था और यहाँ बैठा था, कोई दूसरा वो पेड़ वेड़ पे बैठा हुआ भाई, भाई काकड़ जब से चिल्ला रहा था क्योंकि काकड़ को मारा, और वो एक नहीं है ये काकड़ को मारते भाई, ये एक नहीं है भाई, काकड़ मर गया भाई, पत्थर मार लो मेरे भाई, पत्थर मार लो, काकड़ तो गया, पत्थर मार लो राज भाई, काकड़ तो गया भाई, भाई ये तो पूरा एकदम घोरे, तो बहुत भयंकर है, हैं ओ भाई वो भाई वो पूछ रही है हैं, टॉर्च मारो टॉर्च मारो, नहीं खाई मुतरे, आगे मत जाओ आगे मत जाओ, पीछे रहो भाई, जब ये इतनी पास तक आ सकता ना, आगे मत जाओ, रो रहा है भाई, जब ये यहाँ इतनी पास तक आ सकता, रोंगटे खड़े हैं मेरे तो, देखो देखो भाई शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे भाई, हम तो यहाँ आराम से बैठे अपना कुकिंग कर रहे थे, ये देखिए, और बिल्कुल यहाँ पास में यहाँ बैठा था, यहाँ यहाँ पे ये खाई इधर की तरफ खाई मुतर के, जिधर काकड़ मारा ना इन्होंने अभी भाई, ये गैंग है, ये तो अच्छा हुआ उसने काकड़ मार लिया, हमें ले जाता जो, ये अकेला नहीं है, नहीं नहीं मेरे को लग रहा है उसने काकड़ मारा, उसका पेट भरा था, नहीं हमें ले जाता जो भाई, उसके ना यार धाड़ कितनी तगड़ी थी, काकड़ ने बचा लिया मैं भाई, भाई धाड़ इतनी भयंकर थी कि आज तक लेपट की इतनी तेज आवाज सुननी, बिल्कुल ऐसा लगा मेरे, मैं तो यही बैठा था, मेरे को लगा मेरी पीठ के पीछे किसी, बिल्कुल इतने क्लोज से कभी लेपट नहीं देखा, बिल्कुल यहाँ देखे यहाँ भाई, पेड़ पे भी लाइट मार लो कोई पेड़ पर, क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये सही कह रहा हूँ, अकेला ही नहीं है, ये ग्रुप में भाई, ग्रुप में है ये पक्का, एक काम कर लो राज भाई, तुम सही कह रहे थे भाई, भाई भाई आया इसी रास्ते से राज भाई, आया इसी रास्ते से, मान ले भाई जो हाँ आया इसी पगडंडी से, इसी बटिया से, वो दोबारा आएगा भाई, वो आएगा वो अपना रास्ता चेंज करता है, टेंट के अंदर चलो, क्या पता यहाँ से पानी पीने का रास्ता, नहीं सुनो मेरी बात सुनो, टेंट के अंदर चलते हैं और एक कैमरा आज बाहर लगा देंगे, ठीक है ना, ठीक है राज भाई, हाँ। एक कैमरा को गोप्रो को या किसी दूसरे कैमरे को बाहर लगा देंगे, अपनी तेज कर लो भाई, और बोन हाँ बोन फायर तेज कर लो, ठीक है ना, और लकड़ी आसपास से चुग लो और इसे बोन फायर को तेज कर लो, चलो मेरे भाई चलो, चलो। कुकिंग करो हाँ, अपना पनीर टिक्का मैरिनेट करने के लिए तैयारी कर रहा था, बिल्कुल पास में गुप्ता जी मानना जहाँ बैठा था, ये देखिए हम यहाँ बैठे थे और यहाँ सामने था, बस एक काम करो जल्दी जल्दी अपना डिनर बनाओ और टेंट में चलते भाई, क्योंकि ये फिर आएगा, आएगा, अरे अगर बोनफायर जलने के बाद ना, अगर लेकिन एक बात है फौजी भाई, आज मैंने आपको घबराते हुए देखा भाई, कितने 500 किलो से कोई चीज आएगी, मैंने कसम से इनके संग 20-25 कैंपिंग कर ली है, लेकिन आज से मैंने घबराया हुआ नहीं भाई, मैं खुद घबरा गया, देखो अगर कोई इंसान अचानक से हमें डर, इंसान से डर जाते हैं, सही बात है भाई, कैंपिंग क्विट कर दो यहाँ से, नहीं यार पहले मान जाओ मेरी बात यार, चैलेंज फिर किस चीज का, नहीं बात चैलेंज हो रही है, लेकिन जान से बढ़कर तो नहीं ना मेरे भाई, फैमिली वाले हैं यार हम लोग, चौकन्ना रहो, चौकन्ना रहो यार, पहाड़ों में ना ऐसे मतलब, मैं देखो चौकन्ना हाँ, रह लूंगा हाँ, मैं रात भर भी रुक जाऊंगा, लेकिन अभी क्या है ना कि देखो यार इतने तेज दिल पता कैसे धड़क रहा है, तो भाई यार कैसी बात कर रहे गुप्ता जी, फौजी भाई ऐसे धड़क रहा है इतने, हार्ट फेल हो जाएगा भाई, इतने पास से आज तक नहीं देखा इतने पास से, बताओ ओ भाई है ये तो, और आवाज कितनी भयंकर, डेंजरस यार, टू डेंजरस भाई, एक काम करो गुप्ता जी क्विट नहीं करते, एक काम करो पनीर टिक्का मैरिनेट हो जाएगा मुश्किल 10 मिनट में, तो भाई इसे 10 मिनट में करके निपटो और टेंट में चलो भाई, और अपना टेंट में चलो, बाहर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, पास में रखो हाँ, और हथियार अपने पास सोना नहीं है किसी ने रात को, गाइस जल्दी से हम लोग कैमरा बाहर लगाते हैं, हां पूरी रात चलाएंगे अपना, जल्दी से डिनर बनाते हैं और टेंट में चलते हैं, क्योंकि बाहर रुकना सेफ नहीं है, लेपर्ड फिर आएगा, उसकी ये पगडंडी है वो यहां से फिर आएगा पानी पीने के लिए जाता होगा, तो जी भाई जल्दी कर लो भाई, आज तो तुम मुझे मरवा देते फौजी भाई, मेरे पीछे भी साला दाड़ के चला गया भाई, क्लोज है मेरे भाई, पानी पिला दो यार, फिर गला सूख रहा भाई, उसे पानी दो मेरे भाई, पानी पियो आराम से, पानी दो भाई को, अभी तक ऐसा हो रहा है क्योंकि भाई का हमारे गला सूख चुका है भाई, मेरे कोयले तो हो गए भाई, कोयले हो गए पूरे, बस तो मैं अभी इसके बस ये मेरा ही मैरिनेट होने वाला है,
नहीं वैसे एक बात होता हूँ, आज तक पाजी भाई इतनी भयंकर नहीं भाई नहीं सुनी हमने नहीं। कभी भी इतने इतने क्लोज से ना गुप्ता जी इतने क्लोज से हमने गाड़ी में तो देखा है लगभग को, बाकी रियल में बहुत दूर से देखा है, इतने क्लोज से नहीं देखा कभी, बिल्कुल पास मुश्किल का 3-4 मीटर होगा, 3 नहीं 2 मीटर है, 2-2.5 मीटर मैक्सिमम, बहुत भयंकर। और ऐसे बैठा था गाइस ऐसे बिल्कुल सामने घात लगाए, ऐसे नहीं कि खड़ा है क्या, वो तो ये हमारा नसीब था जो वो गुर्रा गया भाई, वो पता नहीं कब से देख रहा था, घुराने के बाद ना काकड़ जो काकड़ की आवाज आई ना एक तो उसके बाद घुर रहा है वो, मेरे को लगा काकड़ को देख के घुर रहा है, हाथ हमारे पे थी लेकिन काकड़ ने बचा लिया, मैं जल्दी कर लेता हूं भाई, नहीं भाई तो नहीं हमें तो लेके गया था वो, ए बी सी किसी को लेके गया था, तुम्हें तो तुम ही कह रहे थे स्टार्टिंग में तुम्हें ले जाएगा, वो तो शुक्र हुआ भाई मैं भाई तुम्हें ना ले जाता, आज तो मैं इधर था, मेरा नंबर था आज तो भाई, नहीं ऐसा है लेपर्ड है पता नहीं कहाँ से, क्योंकि ये पता क्या करता है ये अंधेरे में सुबह में आता भाई, ये पहले आके बैठता टेंट के पीछे भाई, चुबाप में तो बैठा था भाई, अगर ये आवाज नहीं करे ना तो हम तो ऐसे चार तरफ देख रहे थे, हमें दिखाई दिया है, दिखाई नहीं दिया वो शुक्र हुआ भाई, वो जानवर झाड़ियों की भी कलर वैसा ही है, उसका भी कलर वैसा ही है, वो तो छुप जाता है यार, छलावा है वो तो, बहुत छलावा है। चलो भाई जल्दी से करो, कर दिया बस हो गया, बोनफायर तो आपकी अच्छी चल रही है भाई, मेरा भी कोयला बढ़िया परफेक्ट है, अब बस आप मैरिनेट फटाफट से कर दो, बस हो गया मेरा भाई मैरिनेट हो गया, बिल्कुल टेस्टी बनेगा। और देखो एक चीज बताऊं, जल्दबाजी में ना पनीर काटना भूल गया मेरे भाई, ओहो हाँ, इतने पास तो नहीं देखा गाइस, कभी भी नहीं देखा, गाड़ी में देखा वो भी कैंपिंग में, और कैंपिंग और इतनी तेज गुर्रा रहा, बहुत साउंड इतना तगड़ा है, नहीं भाई साहब कुछ नहीं कह सकते, वो तो भैया आज हमें पता नहीं बस किसी ने बचाया, काकड़ ने बचा लिया, काकड़ ने अपनी जान दे के हमें बचाया, बचा लिया भाई, नहीं तो भैया आज अगर काकड़ को नहीं लेके जाता ना वो तो हमें ले जाता, वो क्योंकि बहुत देर से काकड़ चिल्ला रहा था भैया, मैं तो जाके घर पे जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा, सही बात है दोस्तों, दोस्तों आप लोग भी क्या कहते हैं यार, हम लोगों के लिए प्रे किया करो यार, हम लोग सेफ रहे, आप लोगों के लिए इतना रिस्क उठाते हैं, और अभी तो 3-3 भाइयों की जान दांव पे लगी हुई, अभी भी बैठे देखो, और अभी भी वही रूट है फौजी भाई, आएगा यहीं से ही है भाई, वो नहीं भूलेगा, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा उसका रास्ता, आपको छोड़ना है उन्हें नहीं छोड़ना, और भाई चांस अगर हम टेंट के अंदर चले भी गए ना रात को पता नहीं कब आ जाएगा वो, चलो भाई कैमरा लगाएंगे ना बाहर, हम अब हम एक कैमरा बाहर लगाएंगे और उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, बस मेरा भी हो गया, बाकी सब कुछ के लिए मैंने अदरक लहसुन का ही पेस्ट डाल देता हूँ, जिंजर गार्लिक ना, मैं अब करता हूँ आटे की तैयारी है ना, हाँ और राज भाई आज आटा बनाएंगे, और पीछे पीछे जो ना ध्यान रखो, पीछे भी देना ध्यान, हाँ पीछे ध्यान रखो, इधर लाइट मार के ना देखते रहो बार बार, क्योंकि वो जाता नहीं है ये, फिर भी घात लगा के बैठ के बैठता है देखता है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, जैसे मेरी बात लगने बिल्ली होती है ना ये साइलेंट किलर बोला जाता है इसको, साइलेंट किलर कहते हैं, हाँ। तो हम कितनी बार भगा देते हैं अपने घर से, लेकिन वो 5 मिनट बाद फिर दिखाई देती है, वही सीन इनका भी है, इनका यही है भाई, हाँ। भाई इनके इलाके में हम बैठे हैं, ये हमारे घर सुन आ रहे हैं, सही हाँ। बात है भाई, हम आ रहे हैं इनके घर में यार, बाकी सब कुछ डल चुका है, बस मैं पनीर को ना पनीर कटना रह गया है, पनीर को काट लेता हूँ, बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि पनीर क्यों गुप्ता जी, अब पहाड़ों में तो यही पैकिंग वाला पनीर मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, जो खुला पनीर रहता ना वो भी मिलता है, अच्छा लेकिन वो ढूंढने पे बात है कहाँ पे मिलेगा, मतलब अलादीन का चिराग लेके ढूंढने के लिए मिलेगा है ना, ऐसे हर जगह पे नहीं मिलता है, वैसे एक बात हो थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो भाई, नहीं तो घबराहट सी हो रही है, दिल तीनों के दिल बैठे से है अभी तक भाई, इतने फास्ट से ऐसे 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 आवाज मेरे भाई, फौजी भाई फौजी भाई फौजी भाई अलर्ट रहो, लेकिन बात मत करो भाई, अब डर बैठा जा रहा है ये बात कर करके, अब थोड़ा सा चेंज करो टॉपिक को, बच्चों को रहो अपने, ठीक है ना, ठंड भी हो रही है भाई, बढ़ रही है, थोड़ी जैकेट वगैरह निकालनी पड़ेगी लगता है, फौजी भाई आटा कहाँ रखा आपने, आटा इसमें रखा है पन्नी में एक्स्ट्रा में बांध के रखा है, अब कर लेते हैं अपना पनीर टिक्के को मैरिनेट, ये देखिए मसाला वसाला सब कुछ अपना नीचे जा चुका है, इसको निकालते हैं, तो जी फिल्म नहीं है उसकी आलू अर्जुन की जिसमें वो सीख फेंकता ही, अच्छा ये लो भाई आटा भी हमारा
लगा दिया आटा तुमने? बिल्कुल रेडी है। वेरी गुड मेरे भाई, आप तो बड़े सुपर फास्ट हो यार। आज तो रोटी बनेगी। वैसे आपको दोस्तों बता दूं, भाई मनाली के एक होटल में सैफ थे, और सही कह रहा हूँ ना? सही बात है, मनाली में रहा और दिल्ली में रहा। अच्छा, और कहाँ रहा मैं? दिल्ली में रहा और एक दो जगह और रहा अभी। अमृतसर भी तो बताया था तुमने। हाँ अमृतसर भी रहे हैं। अमृतसर हाँ, ये बेस्ट कुक अवार्ड मिला हुआ है ना पंजाब सरकार की तरफ से, मतलब। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ का ही खाना है पनीर टिक्का। हाँ, खाना अच्छा बनाते हैं भाई ने। देखो आटा कितनी जल्दी मार दिया, हमें तो आता आटा भी नहीं मारना ढंग से आता। भाई जब स्टार्टिंग में गए थे ना होटल लाइन में, तो इतने बड़े बड़े आटा का वो देते थे, इतना बड़े पतीली में दोनों हाथों से लगा रहना था, और 5 मिनट में तैयार भी चाहिए। अच्छा जी। और कर भी लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर बहुत चीज सीखे, और लास्ट में जब ये हुआ ना, क्या बोलते, कोरोना काल आया, उस वक्त मतलब ऐसा लगा कि भाई इससे बढ़िया घर ही में ठीक है। लास्ट में घूम फिर गए घर से। हाँ। बेस्ट कुछ है नहीं है अपना। सही बात। बहुत सारे लोग भी कोरोना काल में घर आ गए। हाँ। पहाड़ के, और अपना बिजनेस यही कर रहे पहाड़ के। क्या, कोरोना काल में तो कहीं कहीं बंदा था वो अपने घर। हाँ। लोगों ने 2,000 किलोमीटर का सफर पैदल और साइकिलों से किया, बेचारे मजदूर लोग मारे। और ऐसा भी हुआ उसमें, इतनी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है कि जो ट्रक जो है ना वो एक्सीडेंट का शिकार हो गई, बसें एक्सीडेंट का शिकार हो गई, 20-20 लोग मरे हैं। तो बहुत गलत भी हुआ है एक तरीके से, बहुत बड़ी त्रासदी थी जो कितने लोग मरे कोरोना से। उतने लोग कोरोना से नहीं मरे इंडिया के अंदर, भय से मर गए। जितने लोग भय से और एक्सीडेंटल मरे हैं, जो लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे भगदड़ में। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, इधर अपना पनीर टिक्का रेडी हो चुका है, बस इस पर मक्खन लगा रहे हैं गुप्ता जी। और इधर आटा जी, मक्खन दिखाओ कैसे धूम उठता, दिखाओ। आटा भी मल के रख दिया ये देखिए, और बाकी लेपट इधर की साइड से था, बस अपना डिनर बनने वाला है। और देखिए धुआं, देखिए ये धुआं है ना गाइस, धुआं नहीं है, खुशबू वाला धुआं मेरे भाई। कोयले पर डलता, इससे ही फ्लेवर आता है जब ये घी डलता है ना, मक्खन और घी लगता है पनीर टिक्के पर, जो इसमें डलता है बारबेक्यू में जब कोयले पर जलता है, जो महक आती है ना इससे ही, क्योंकि कोयले का फ्लेवर ही सबसे मेन चीज है, इसीलिए बारबेक्यू कोयले पर होता है। नहीं तो आप गैस पे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मजा आता है ना वो कोयले के फ्लेवर से ही आता है। तो बस अब अपना रेडी होने वाला है, इसके बाद सीधा हम अपना डिनर करते हैं और फिर टेंट में चलते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर बैठना सेफ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त अपना पनीर टिक्का बन रहा है ये देखिए, और देखिए इस पर लगने वाला है मक्खन, ये देखिए पूरा अच्छे से रोस्ट हुआ है, क्योंकि हम कच्चा नहीं खाते, जितनी भी सब्जी लगाते हैं ना जब अच्छे से भुन जाएगी तब। देखिए धुआं जो देख रहे हैं ना, कोई रेस्टोरेंट वाले थोड़ी ना है। अरे रेस्टोरेंट से तगड़ा खाएंगे, रेस्टोरेंट वाले तो जल्दबाजी में बना के देते हैं, हम तो आराम से। यहाँ तो बिल्कुल आराम से, लेकिन ये जब से लेपट आया ना तब से थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और दोस्तों टाइम की बात करो तो देखो, ये देखो 9:38 9:30 बजने वाले हैं, बज चुके हैं। ये देखिए 10 बजने वाले हैं, देखिए पनीर टिक्का तो अपना रेडी हो ही चुका है, और ये मक्खन गरम हो जाए बस। भाई मैंने भरपूर मक्खन लगा दिया इसमें। हाँ, मक्खन का राज भाई आज ना सेफ आप हो, लेकिन बताना कि कैसा बना है सेफ। मतलब हाँ, अगर बुरा बने तो, हाँ, तो बुरा बोलना है। हाँ, ऐसा नहीं है कोई, मतलब यहाँ पे वो चल रही है कंपटीशन, बस बस बस, कोई कमी हो जरूर बताना। चलो तो गुप्ता जी सीख दो जल्दी से, और अच्छा बने ना। हाँ, अगर अच्छा बने और आज से, मतलब आज से पहले इससे बेस्ट ना खाया हो तो इनके हाथ काट लेना। ये चाकू मेरे पास दे दो आप। नहीं मैं चाकू का भी काम कर रहा हूँ ना, मुझे हाथ भी तो बचाना। दिखाओ गुप्ता जी, दो जी लो मालिक, लो गरम गरम। ये देखिए ये गया इसमें, रोस्ट बहुत अच्छे से हुआ। हाँ। ये करारा बना है ना, यही तो मजा, यही तो मजा, यही मजा। क्रंची क्रंची, ये क्या देख रहे हो मालिक, आ जाओ अब भी समय है, घर से निकल जाओ और कैंपिंग में आ जाओ और पनीर टिक्का खाओ। कभी दोस्तों के संग घूम भी, घूम हाँ। भी लिया करो दोस्तों, इससे पहले कि डॉक्टर के पास जाना पड़े और बत्ती से निकल जाए, स्माइल भी कर लिया करो दोस्तों। और भाई ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे साथ ही हो, मेरा कहीं तो भी जाओ अपने दोस्तों के संग जाओ। मेरा अभी से मतलब मुंह में पानी आने बैठ गया पनीर टिक्का देख के भाई, देख के क्या मेरे तो खुशबू से आ रहा भाई। और गाइस आप सब बता रहा भाई, कुछ आवाज ऐसा आ रही है,
अरे अभी तो मुझे पनीर टिक्का खाने तो आने दो यार। वो छोड़िए, आप ये बताइए किस किस के मुंह में अभी पानी आ रहा है ये चीज देख करके। लपड़ी इधर सीधे मेरे भाई, पता नहीं फिर गाल लगाए बैठे हो, ऐसा लग रहा है हिरन छींक मार रहा है। चलो तो बस इस पे चाट मसाला डाल लेता हूँ। चाट मसाला कैसा खाओगे ये बताओ? मजेदार बनाओ यार, हम तो स्पाइसी खाते हैं यार, और हम तो चाट चाट के खाएंगे, टेस्टी है। और ये रहा अपना नींबू, निमोड़ा 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 निमोड़ा, ये कट गया। वाजी भाई आज की डेट में सबसे ज्यादा बीमार लोग शहर के हैं। देखो यहाँ पे तीनों कैटेगरी के बैठे हैं, ये प्रॉपर पहाड़ के हैं, ये थोड़े से गांव देहात के हैं, और मैं शहर का हूँ, दिल्ली शहर का, ये बिजनौर से हैं और वो उत्तराखंड से। और भाई हमारी जो हाइट होती है ना पहाड़ियों की, इसीलिए छोटी इसलिए होती है। गिर जाते हो नीचे से? नहीं दब जाते हैं, चल चल नहीं, इसलिए होती है क्योंकि देखना पहाड़ पे जो भी जानवर होगा ना छोटे, वो हाइट में छोटे ही मिलेंगे। तो आप इंसान हो मेरे भाई, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, इनका कहने का मतलब है चाहे वो जानवर हो इंसान हो पहाड़ों पे हाइट छोटे मिलेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बीमारी जो शहर से शुरू होती है, आपके घर से और आपके अंदर से शुरू होती है। उठिए, निकलिए घर से बाहर, कैंपिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, पैसा फिर कमा लेना यार। क्यों पैसा कमा के क्या करोगे? नकली बत्ती सी लगा लोगे तब स्माइल नहीं आएगी। हैं, डॉक्टर के पास जाओगे और वो करोगे, ट्रीटमेंट करवाओगे, हार्ट में स्टंट डलवा लोगे भाई, फिर वो दिल की धड़कन नहीं आएगी जो दोस्तों के संग आती है। बाकी सब कुछ छोड़िए गुप्ता जी, पनीर टिक्का रेडी है। एंजॉय, चीयर्स करो, चीयर्स चीयर्स ही करेंगे अभी। बस एक काम करो, इसको मैं रख देता हूँ ढक के, तब तक रोटी बनाते हैं, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स अपना पनीर टिक्का बन चुका है और अब बना रहे हैं हम रोटी। तो राज भाई रोटी बेल रहे हैं, मैं तवे पर सेक रहा हूँ, और गुप्ता जी कोयले पर सेक रहे हैं रोटी को। और कोयले पर सेकी हुई रोटी का मज़ा ही अलग है, बिल्कुल जो चूल्हे की रोटी आती है ना ऐसा फ्लेवर आता है। मैं देर नहीं करते क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपना, जल्दी से डिनर को बनाते हैं और अब मिलते हैं सीधा डिनर खाते हुए। गुप्ता जी क्या कर दिया? तो फाइनली अपना गुप्ता जी डिनर रेडी हो चुका है। चलो क्या हो गया राज भाई तुम्हारा? हालत खराब हो रही है, क्या हो गया? है टाइम हो रहा है सर 11:30 के आसपास यार, बहुत टाइम लेट हो गया है। लो भाई लोगो, राज भाई को दो पहले आज। अच्छा राज भाई टेस्ट करके बताएंगे, राज भाई आप खा के बताओ, साथ में चखेंगे पहले सभी। नहीं नहीं आप टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ ना, आप टेस्ट करके बताओ, आप हमारे मेहमान हो, हम नहीं है। कैसा बना राज भाई ये बताओ? मजा आ गया। लो रोटी लो, पनीर टिक्का और रोटी सब कुछ सर्व कर दिए राज भाई, बेस्ट बनाया ना, बेस्ट। गुप्ता जी कैसा लगा? अवसम, टेस्ट करके देखते हैं कैसा बनाया है, भाई लोगों ने तो बता दिया है बेस्ट ही बनाया, क्योंकि पनीर टिक्का तो अपना लाजवाब बनता है, एक नंबर है। तेजेंद्र जी आप कमेंट जरूर करते हैं, ये लीजिए साथ में चिकन जी। तो दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, आप भी बताइए कि आपको हमारा खाना और खाने की रेसिपी कैसी लगती है, क्यों फाजी भाई? सही बात, जब आप बताओगे तो हम और नई नई डिशें लेके आएंगे। बस तो अपना डिनर को फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे सीधा टेंट में मिलेंगे, क्योंकि बाहर रुकना सेफ नहीं है, आप भी जानते हैं लेपर्ड बिल्कुल पास में आ चुका था। तो पहले अपना डिनर करते हैं। तो फ्रेंड्स डिनर अपना हो चुका है, खाना वाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं सीधा टेंट में, क्योंकि बाहर जो है पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ियों में जंगली जानवर भाग रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि लेपर्ड शिकार कर रहा है। थोड़ी देर पहले तो उसने काकड़ को मारा ही है और हमारे पास भी आके यहाँ घात लगाए बैठा था और यूं कर रहा था। चले टेंट में चलो यार, मेरे को डर लग रहा है, मतलब अजीब सा फील हो रहा है यार, है कोई ना कुछ तो यहाँ पे, आवाज आ रही ना। चलो 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 भाई, चलो चलो बस सीधा टेंट में चलते हैं क्योंकि बाहर नहीं रुकते। चलो भाई चल निकालो, टेंट के अंदर आ चुके हैं, अब बस अपना आराम से सोते हैं। गुप्ता जी हाँ जी मेरे भाई, कुल्हाड़ी अपने पास रखना, लाइट वाइट सब हाँ ठीक है मेरे पास भाई। तो फ्रेंड अब बस अपना आराम से टेंट फाड़ दिया तो, अरे वो देखी जाएगी जो भी है, अब तीनों बंदे हैं, कोई खतरा नहीं है, बाकी अपना हथियार बताओ, टॉर्च रख लिए हैं हाँ, सब अपने पास है। और इधर देखिए अपना राज भाई सो रहे हैं, गुड नाइट। और इधर गुप्ता जी थक गए यार आज, बहुत थक गए, 12 बज चुके हैं डिनर करने में, अब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है क्योंकि टेंट के अंदर आ गए हैं। तो गाइस बंद कर दो यार, मौजी भाई नींद आ रही है, अब बस अपना आराम से सोते हैं।
बाहर आवाज सुनिए आपको सुबह। और हाँ, अभी आवाज भी आ रही है जंगली जानवरों की, काकड़ की। ऐसा ना हो कि हम दोबारा भी काकड़ को, लग रहा है काकड़ और भी काकड़ है, मार दिया तो ग्रुप होता भाई। तो गाइस कोई नहीं, फिलहाल सोते हैं, मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुप्ता जी, ए गुप्ता जी, ओ भाई आवाज आ रही, देखियो आवाज आ रही है, रेंडम जैसे लेपर्ड को, लेपर्ड कॉल है, तो लेपर्ड गुर्रा रहा है भाई, भाई लेपर्ड साउंड है तो। अरे भाई, अरे राज भाई, ओ राज भाई, लेपर्ड गुर्रा रहा है यार, तुम तो चिल्लाने दो यार। अरे राज भाई यार उठो यार, लेपर्ड गुर्रा रहा है यार। अरे यार जानवर चिल्लाते रहते भाई, बाहर निकल लो। टाइम देखो, टाइम क्या हो गया, टाइम यार मैं काफी देर से देख रहा, पहले तो काकड़ की आवाज आ रही, बहुत देर हो गई मुझे। क्या टाइम हो गया, दो बज रहे भाई, 2:25 हो गए बस। देखिए 2:25 हो रहे हैं, काफी देर हो गई मुझे, आधा घंटे ज्यादा हो गए मैं सुन रहा हूँ। एक काम करो, मैं खुद अभी बीच में उठ गया था, मेरे को भी हल्का सा साउंड लगा था। अभी एक काम करो, मेरे इसको इसको ना पत्थर वत्थर मार के भगा देते हैं, ये तो भाई ये टेंट वेंट फाड़ देगा रात को। चलो चलो, लेकिन भाई ज्यादा चौधरी मत बनना यार, हाँ, कभी चलो साथ चलना यार, तुम भाग रहे हो ऐसे ही। हाँ ये मजाक नहीं है, मुझे पता है आप डिले रहो, ठीक है चलो खोलो टेंट। चलो यार राज भाई जल्दी चलो यार, राज भाई चलो आगे मत जाना राज भाई यार, आगे नहीं आगे नहीं, अरे भाई इतने, अरे आगे नहीं राज भाई यार, क्या कर रहे हो यार तुम राज भाई, राज भाई रुक जाओ, ओए राज पागल है, ए राज भाई यार, तो पागल राज, राज आजा भाई, यार राज भाई यो क्या बात कर रहा है यार तुम, यार राज भाई क्या, राज भाई ये क्या हो गया, ये राज भाई ओ टेंट मारो, राज भाई ओ राज भाई टेंट मारो, ओ राज भाई टेंट मारो, क्या कर रहे हो, हो वो देख कुछ है, ओ राज भाई टेंट मारो, ओ टेंट मारो, ओ राज भाई टेंट मारो, जल्दी टेंट मारो, जल्दी टेंट मारो, राज भाई जल्दी आओ नीचे, अरे कुछ हम है, जल्दी आओ, ओ जल्दी आओ, घर लगा के बैठा, अरे राज भाई टेंट मारो, राज भाई टॉर्च मारो, अरे टेंट मारो जल्दी, जल्दी टेंट में चलो, चलो जल्दी टेंट में चलो, टेंट में चलो, टेंट में चलो भाई, भाई बंद करो टेंट, गुप्ता जी जल्दी टेंट बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करो जल्दी टेंट यार, गुप्ता जी जल्दी टेंट बंद करो। क्या हो गया था भाई, क्या हो गया भाई, घर लगा के बैठ रखा था वहां सामने, अरे यार तुम आगे क्यों जा रहे हो, हम तुमसे कह रहे हैं मत जाओ आगे, पैर में चोट लगी क्या भाई, पैर मुड़ गया भैंस को, वो तेंदुआ ना भाई, मतलब ऐसा हुआ मैं अगर भागता नहीं ना वो झपट्टा मारने के लिए, यार तुम्हें किसने कहा था तुम आ जाओ अगर राज भाई, यार ओ भाई मुझे क्या पता था, घर लगा के बैठा था, और पैर सीधा करो, कोई नहीं सीधा करो, पैर सीधा करो, ठीक हो जाएगा, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो यार राज भाई, करो यार सीधा गाइस, भाई ये तो खतरा होता है यार, आगे तभी तो नहीं जाना चाहिए, भाई बोल तो रहे हैं भाई, यार हम क्या कह रहे हैं भाई, मुझे पता ही नहीं था घात लगा के बैठा हो यार राज भाई तुम, तो किसी को पता होगा कि लेपर्ड बैठा है घात लगा, जब आवाज आ रही है यार, हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हें तुम आगे भाग रहे हो, हम क्यों नहीं आगे जा रहे, हमें पता है ना आगे खतरा है, चलो कोई नहीं, एक काम करो लेटो सोने दो गाइस, तुम सो जाओ, कोई नहीं टेंट बंद कर दे, अच्छे से सीधा हो गया सीधा, मैं अभी वो मेडिकल किट से आयोडेक्स लगा देता हूं गाइस, टेंट बंद करते हैं अपना बंद, और आराम से लेटते हैं गुप्ता जी, अब बाहर निकलना चाहो कुछ भी, नहीं निकलना भाई, नहीं भाई सो जाओ अपना, सुनो नहीं इनको सोने दो, हम दोनों जगते हैं भाई, अगर टेंट पे अटैक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, बाहर मत जाओ, जगते हैं भाई, मत जाओ बाहर, बाहर नहीं जाने के अब हम, तुम सही हो, कोई दिक्कत, हाँ मैं ठीक हूँ शुक्र, बच गया बस और कुछ नहीं, पागल वागल राज भाई, तुम अपना यार सो, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जब साथ में सारे बंदे हैं ना, अरे भाई भाई अगर ऐसे टीम में काम करोगे ना भाई, देखो हम कैंपिंग नहीं कर पाएंगे साथ में भाई, राज रिक्स बहुत होता है भाई, भाई तो हम कभी भी अलग नहीं होते तीनों की, अगर हम सुसु करने भी जाते हैं तो जितने लोग होते हैं सारे साथ जाते हैं भाई, जोश आ गया था यार, मैंने कहा भाई ऐसे जोश को ठंडा करने में 2 मिनट लगते हैं, 2 सेकंड में तुम्हारे दांत गड़ाता गर्दन पे ले जाता वो तुम्हें, यार जोश तुम्हारा हो नहीं गया ठंडा, तू चढ़ नहीं गए पेड़ पे, क्यों डरे तुम, और तुम के पेड़ पे चढ़ रहे हो, वो पेड़ पे चाचा है वो तुम्हारा, पेड़ पे चढ़ने में तुम ये सोच रहे पेड़ पे नीचे, वो तो कितने बड़ा पेड़ पे चढ़ा लो सो, और जब तुम्हें पता है वो रास्ता है तुम चौड़े होके जा रहे हो वहाँ पे यार, भाई ऐसा चलो खैर कोई बात नहीं यार, अभी आराम करो, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हो, जब तक हम शोर मचाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, एक सेकंड आवाज आ रही है फिर से, एक काम करो कैमरे को बंद करो, जागते हैं नहीं है भाई, लाइट बंद कर दो, बिल्कुल कैमरा बंद कर दो, अगर इसने टेंट पे अटैक किया तब कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, नहीं तो अभी के लिए नाइट करो, हम सोने के नहीं है, हम जागते हैं क्योंकि 2 बज चुके हैं, 2 क्या 2:30 बज चुके हैं, और लेपर्ड
पास में घात लगाए बैठा है टेंट के, बार बार घुर्रा रहा है, तो हम सोएंगे नहीं क्योंकि और एक दो घंटे की बात है, तीन ढाई तीन घंटे में दिन निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नींद ऐसी भाग चुकी है, तीन तो बजी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस पूछो मत ना, अभी बस भगा दो टेंट से यहाँ से ना सीधा सेफ जगह पर। नींद ऐसी भाग चुकी है, बस अपना आराम से यहीं सोते हैं। राज भाई से देखिए सो चुके हैं, पैर में चोट लग गई राज भाई के, सोने के नहीं है बिल्कुल, चाहे नींद कितनी भयंकर आ रही है। नहीं नहीं सोएंगे नहीं, हम दोनों जगते हैं और भाई को सोने। ठीक है गाइस, मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और पीछे आप देख रहे होंगे सनराइज भी हो चुका है। और जो सुबह सुबह पहाड़ में दिन निकलता है ना, क्यों गुप्ता जी, मजा इतना आता है क्योंकि ठंड के साथ थोड़ी थोड़ी जो धूप आ रही है ना गर्मी, अब ठंड भाग जाएगी दिन में क्योंकि बहुत तेज गर्मी होती है, लेकिन अभी सुबह सुबह ठंड है और पक्षियों की चरचराहट शुरू हो चुकी है। लेकिन बता दूं कि जो रात चरचराहट राजभाई के साथ लेपर्ड ने की है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा ही डेंजर थी। ये अच्छी है सुबह के साथ में, लेकिन वो खतरनाक थी। अब हमारे राजभाई ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे कि मैं लेपर्ड कूद के गए, भाग के सबसे आगे ये गए वो गए, और सबसे पहले पेड़ पे चढ़ गए, और सबसे पहले ही पेड़ पे चढ़ गए। हुआ क्या था, तुम भागे क्यों, सामने बैठा था ना। अरे फौजी भाई बिल्कुल, जैसे ही मैं यूं गया, मुझे क्या पता था वो घात लगा के बैठा है बंदा अगला, जैसे यूं गया वो तो हल्का यूं हुआ। राज भाई एक बात बताओ, जो लेपर्ड का साउंड आ रहा है तो आरती की थाली लेके बैठेगा? अरे मुझे लगा आ रहा होगा कहीं दूर जंगल। भाई पहली बार था तुम्हारा एक्सपीरियंस इस तरह का राइट कैप्टन का? हमें पता, हम तो टेंट से निकलते नहीं है, निकलते हैं तो बहुत चौकसी से निकलते हैं, हम डंडा वंडा लेके हथियार लेके और साउंड करते हुए निकलते हैं ताकि नहीं ऐसी चीजें हम भी करते हैं। लेकिन जो अचानक हुआ ना मेरे साथ, वो तुम समझ नहीं पाए, वो मैं समझ नहीं पाया करो तो करो क्या इसमें। कोई नहीं गाइस, जान बच गई यही बहुत बड़ी बात है। बस तो अब ब्रेकफास्ट कुछ हम बना नहीं रहे क्योंकि पूरी रात सोए तो है ही नहीं है। आपको मैम नींद देख सकते हैं, जाग गई है, लाल हो रही है आके, तीन घंटे से जाग रहे हैं, तीन के चार हो गए, अब तो सात बज चुके हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कौन नए ऐसी एडवेंचर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।